हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं, एक नई वैकेंसी आई है एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड, जो स्टार्टिंग होने वाला है। हमारा डेट फिल करने का 23 जुलाई से, और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है हमारा 23 अगस्त, और पेमेंट भी हम लोग को उसी दिन तक करना है 5 बजे तक, ठीक है। और हमारा एग्ज़ाम तीन तरह से होगा। पहला होगा Tier 1, जो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, जिसका डेट दिया गया है, मेंशन्ड है 10th अक्टूबर को। और डेट ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप, जो डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा Tier 2, उसका एग्ज़ाम होने के बाद, Tier 1 होने के बाद इसका डेट नोटिफाइड करेगा। और थर्ड हमारा है इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट, ठीक है। वैकेंसी हमारा इस प्रकार है, पहला है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का, और सेकेंड है हमारा फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर का, जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसी दिया गया है 44 है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर में, और फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर में 21 है, जिसमें आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज दिया गया है, ठीक है। एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया गया है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का, यानी AO का दिया गया है कि किसी भी स्ट्रीम से, ठीक है, आप ग्रेजुएट कंप्लीट हुआ हो या अपेयरिंग हो, जिसका मिनिमम मार्क्स 55% होना चाहिए, ठीक है। और सेकंड हमारा फाइनेंस रिलेटेड है, जिसका वो भी कोई भी ग्रेजुएशन कोई भी स्ट्रीम से कंप्लीट होना चाहिए, जिसका मिनिमम 55% मार्क्स होना चाहिए। और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन दिया गया है हमारा कि अगर फाइनेंस से हो, अकाउंटिंग हो, कॉमर्स हो, जो पोस्ट ग्रेजुएशन हो, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन CA, CMA और CS होना चाहिए। ये हमारा डिपार्टमेंटल कैंडिडेट का दिया गया है, जो ऑलरेडी वहाँ पर अगर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे या ऑलरेडी जॉब हो तो वह उससे रिलेटेड है। अब हम लोग एज क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं, जो एज पर द गवर्नमेंट रूल के अनुसार है दिया गया। OBC को रिलैक्सेशन दिया जाएगा, SST को रिलैक्सेशन दिया जाएगा, इसे आप लोग रीड आउट कर लें। अब नेक्स्ट आता है फी के बारे में बात करते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का पोस्ट के लिए कितना फी देना पड़ेगा, जो जनरल कैटेगरी OBC EWS है उनको लिए, उनके लिए एग्जामिनेशन फी प्लस रजिस्ट्रेशन फी 500 है, और वुमेन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बेंचमार्क डिजेबिलिटी, उनके लिए जो एग्जामिनेशन फी है वो नील है, और रजिस्ट्रेशन फी ओनली 20 रुपीज़ है। सेकेंड पोस्ट के लिए फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर पोस्ट के लिए, जो जनरल OBC और EWS है उनके लिए सेम फी है 480 और 20 रुपीज़, और सेम वुमेन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और डिजेबिलिटी के लिए नील है, ओनली 20 रुपीज़ ही लगने वाला है। तो आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, खासकर SST या वुमेन्स के लिए। अगर आप बोथ भरना चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और फाइनेंस ऑफिसर, तो दोनों के लिए आपको 1000 पे करना पड़ेगा। अब वुमेन्स SST और डिजेबिलिटी के लिए मात्र 40 रुपीज़ देना पड़ेगा। आप कैसे अप्लाई करेंगे, यहाँ से आप देख सकते हैं हाउ टू अप्लाई, जो आप www.asrb.org इन पर जाकर आप अप्लाई इस फॉर्म को कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग सेंटर की बात कर लेते हैं कि सेंटर हमारा कहाँ कहाँ है। तो इंडिया के हर एक इलाके में हमारा सेंटर दिया गया है, हर एक स्टेट में हमारा सेंटर है, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा, जो भी आपका नज़दीक होगा वहाँ पर आप सेंटर दे दीजिएगा Tier 1 के लिए, और Tier 2 के लिए आपका सेंटर दिया गया है, जिसका सेंटर कोड भी दिया गया है, ठीक है। आप जिस सिटी से रिलेटेड हैं, जिस सिटी से बिलोंग करते हैं, वहाँ से आप ये कोड भर सकते हैं। इस वैकेंसी का एग्ज़ाम किस तरह होने वाला है, तो इसको हम लोग देखते हैं। Tier 1 में एग्ज़ाम हमारा ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस पेपर होने वाला है, जो क्वेश्चन कितना का होगा, 200 क्वेश्चन होगा, 1 मार्क्स ईच होगा, और जो एग्ज़ाम का टाइम होगा 3 आवर्स का होगा। सेक्शन ए में पूछा जाएगा जनरल नॉलेज, 50 क्वेश्चन रहेगा उसमें। सेक्शन बी में हमारा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी होगा, 50 क्वेश्चन होगा। सेक्शन सी में हमारा अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा, और सेक्शन डी में लैंग्वेज कंप्रहेंसिव हिंदी इंग्लिश दोनों का, जो 50 मार्क्स का, सब मिलाकर 200 मार्क्स का होगा।
ये हो गया टायर वन का। टायर टू में क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा, जो ईच पेपर विल बी 3 आवर ड्यूरेशन होगा, यानी चार पेपर दिया गया जाएगा टायर टू में। पेपर वन, पेपर टू, पेपर थ्री, पेपर फोर। पेपर वन में हमारा जनरल अवेयरनेस ऑफ डेवलपमेंट, इकोनॉमिक, सोशल, साइंटिफिक एंड कल्चरल फील्ड, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड होगा, जो 150 मार्क्स का होगा। पेपर टू में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, जो भी 150 मार्क्स का होगा। पेपर थर्ड हमारा एसे राइटिंग होगा, जो 75 मार्क्स का फर्स्ट होगा। एसे राइटिंग टू हमारा 75 मार्क्स का होगा, तो दोनों मिलाकर 150 का होगा। पेपर फोर्थ में हमारा इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड के बारे में पूछा जाएगा, जो 150 होगा, जो टोटल मिलाकर हमारा टायर टू जो डिस्क्रिप्टिव है, जो 600 मार्क्स का हो जाएगा। इसके बाद हमारा थर्ड होगा इंटरव्यू। इंटरव्यू में आपका जो कितना का एग्रीगेट होगा हमारा, 600 मार्क्स टायर टू का होगा और 100 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है इंटरव्यू का, इसे आप लोग रीड आउट कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको क्या क्या पढ़ना है डिटेल में दिया गया है, इसको भरने से पहले बिफोर आप इसको एक बार रीड आउट कर लीजिएगा।